खेलों के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा विभाग लगातार विद्यार्थियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं दी जाए और उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं उद्देश्य को लेकर जनपद स्तर से प्रदेश स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। मुरादाबाद के पार्कर इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय बालक बालिका वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी के निर्देश पर मंडल स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 17 पार्कर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ पार्कर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर एस के नेथन और मेथोडिस्ट गर्ल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रेणुका जोयल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर जनपद के बालक वर्ग ने प्रतिभाग किया। बालिका वर्ग में मुरादाबाद, रामपुर जनपद की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का परिणाम अंडर 15 वर्ष पहला सेमीफाइनल अंडर 15 में मुरादाबाद और रामपुर के बीच खेला गया। मुरादाबाद जनपद 10 से विजय रहा। दूसरा सेमीफाइनल अंडर 15 में बिजनौर और अमरोहा के बीच खेला गया। बिजनौर 2-1 से विजय रहा। फाइनल मुकाबला मुरादाबाद और बिजनौर के मध्य हुआ जिसमें पार्कर इंटर कॉलेज 2-0 से विजयी रहा। अंडर 17 बालक वर्ग पहला सेमीफाइनल 17 में मुरादाबाद और रामपुर के बीच हुआ जिसमें रामपुर 3-2 टाई वीकर में विजय रहा। दूसरा सेमीफाइनल अंडर 17 में बिजनौर और अमरोहा के बीच हुआ जिसमें अमरोहा जनपद 1-0 से विजयी रहा। फाइनल रामपुर और अमरोहा के मध्य हुआ जिसमें रामपुर जनपद 10 से विजयी रहा। अंडर 17 वर्ष बालिका वर्ग फाइनल अंडर 17 में मुरादाबाद और रामपुर के बीच खेला गया जिसमें रामपुर जनपद 20 विजयी रहा। आज पार्कर इंटर कॉलेज में मंडलीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जिसमें 5 जनपद मुरादाबाद मंडल के प्रतिभाग कर रहे हैं। बालिका और बालिकाएं दोनों टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस फुटबॉल प्रतियोगिता की एक विशेषता ये होती है कि इसमें जो भी टीम प्रतिभाग करती है वो पूरी टीम एक ही विद्यालय की होती है। तो 5 जनपदों से जो सर्वश्रेष्ठ टीमें थीं वो चुन करके यहाँ पर आई हैं और आज यहाँ से इनका फाइनल मुकाबला होगा। उसके बाद जो टीम सेलेक्ट होगी वो स्टेट के लिए जाएगी। प्रतियोगिता के सफल संचालन में वंश बहादुर जनपदीय मंडलीय क्रीड़ा सचिव जीवन सिंह, प्रभात कुमार, यूनुस हुसैन, तुषार शर्मा, बक्षेंद्र सिंह, संतोष कुमार, स्वाति शर्मा, सोनिया, क्लेरिस सिंह, चेतन सिंह, निर्णायक मंडल में मोहम्मद वसीम, नावेद हुसैन, अनस हुसैन आदि मौजूद रहे। अनूप सिंह, आशीष रस्तोगी, निशित विजय दास, जेवियर फ्रांसिस आदि का योगदान रहा। जेता टीम दिनांक 11/5/2024 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में प्रतिभाग करेंगे। असली उद्देश्य ये होता है कि खेल को बढ़ावा मिले, फुटबॉल जैसे खेलों को जो अब थोड़े विलुप्त होते जा रहे हैं, तो बच्चे जब इसमें रुचि लेते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं। आपका क्या प्रयास रहता है छात्राओं के लिए? छात्राओं के लिए ये प्रयास रहता है कि निरंतर इनकी प्रैक्टिस होती रहती है, अभ्यास होता रहता है विद्यालय में, और फिर ये विद्यालय स्तर पर, जनपद स्तर पर और मंडल स्तर तक तो जाते ही हैं। कितने दिन की प्रतियोगिता है मैडम आज यहाँ पे जो हो रही है? ये मंडल स्तर की आज 1 दिन की प्रतियोगिता है।